गुड मॉर्निंग। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, गैस वेल्डिंग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और गैस वेल्डिंग में हम लोगों ने सिंपल गैस वेल्डिंग क्या होता है, उसका किस तरीके से गैस वेल्डिंग की जाती है, तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट वी जनरली यूज इन केस ऑफ द गैस वेल्डिंग। कि गैस वेल्डिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कौन से टूल्स होते हैं और कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बताने से पहले इसका सिंपल जो डायग्राम है, मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, क्योंकि ये पेंसिल से बनाया था और जब इसका फोटो खींचा गया तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब हल्का हो गया ना, लाइट हो गया। इसका एक डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ शायद, अभी ये समझ लो, फिर दूसरा वाला डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जो टॉर्च बनी हुई है राइट साइड में, ये वाली, इस राइट साइड वाली टॉर्च को थोड़ा सा, इस राइट वाली टॉर्च को थोड़ा सा आपको छोटा बनाना है, क्योंकि सिलेंडर बड़े हैं और टॉर्च इतने छोटी, ठीक है, सिलेंडर छोटे लग रहे हैं टॉर्च के आगे, तो सिलेंडर का साइज बड़ा रहेगा और टॉर्च का साइज छोटा रहेगा, ठीक है। आपको ये सारे मॉडिफिकेशन इसमें करने पड़ेंगे जब भी आप लोग डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी में। चलिए तो पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गैस वेल्डिंग करते टाइम हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, जिसमें एक जो सिलेंडर होता है वो ऑक्सीजन का होता है और एक सिलेंडर होता है जो आपका फ्यूल गैस होती है, ठीक है। और जनरली हम, क्योंकि एसिटिलीन गैस को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम एसिटिलीन गैस का सिलेंडर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपको इस तरीके से गैस सिलेंडर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर बनाने आपको दो, एक सिलेंडर आपका ऑक्सीजन का रहेगा और एक सिलेंडर रहेगा किसका, फ्यूल का, फ्यूल गैस जो भी आपकी होगी। तो यहां पर हम एसिटिलीन बात कर रहे हैं, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है। दो सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और दूसरा होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले लिखना है, द वेरियस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड में, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ये आपका रहेगा। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल रहती है, ठीक है। इट इज द सिलेंडर दैट इज फिल्ड विद द ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है उसको ब्लैक पेंट जो होता है, काला पेंट जो होगा, उस ब्लैक पेंट से हम इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है। इट इज पेंटेड विद द ब्लैक कलर और ब्लू कलर, या तो आप इसको ब्लैक कलर से पेंट करते हो या इसको ब्लू कलर से करते हो। ये कोडिंग होती है, कलर कोडिंग गैस वेल्डिंग में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इज पेंटेड विद विच कलर, तो आपको याद रखना है ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से, या तो ब्लैक से पेंटेड होगा या ब्लू कलर से पेंटेड होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। इसी तरीके से एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला आपको पता है C2H2, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर इज द सिलेंडर दैट इज फिल्ड विद द एसिटिलीन गैस एंड दिस सिलेंडर इज पेंटेड विद रेड और मरून कलर, MARON मैरून कलर होता है या रेड कलर, या तो आप उसको रेड कलर से पेंट करते हो या मरून कलर से पेंट करते हो। ऐसा क्यों किया जाता है बता देंगे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप हमें एक बात बताइए कि जब हम ये वाली गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप देखते हो कि सराउंडिंग में भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल है। घर में जब हम लोग नॉर्मली गैस चलाते हैं तो वहां पर कहीं ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर यूज नहीं करते हैं। माइंड में क्वेश्चन आया या नहीं आया कभी, ठीक है। बोला कि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर वो यूज क्यों करते हैं, ऑक्सीजन तो घर में भी तो गैस जलती है LPG, फिर भी वहां पे तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो होता ये है कि देखो, ये दोनों एक जगह ऑक्सीजन गैस होगी, ऑक्सीजन एक तरफ होगी आपकी एसिटिलीन गैस, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जब दोनों का रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो, जब दोनों का वॉल्यूम रेशियो या दोनों इक्वल अमाउंट में सप्लाई करेंगे तो अलग टाइप की फ्लेम बनती है। फिर एक फ्लेम तब बनेगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई को आप बढ़ा दोगे, और एक फ्लेम तब बनेगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई को आप एसिटिलीन की सप्लाई से कम कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए वेरी करने के लिए, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वी यूज जनरली यूज ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ठीक है। पहले तो कलर कोडिंग समझ में आ गई। दूसरा कि जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है, इस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन गैस भरी होती है वो 125 से 150 बार 125 टू 150 बार पे ये ऑक्सीजन गैस भरी होती है। प्रेशर, रिमेम्बर आपको प्रेशर याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है,
समझ में आया? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस 125 से 150 बार प्रेशर पर भरी होती है, जबकि एसिटिलीन गैस का जो प्रेशर होता है वो 15 बार के आसपास होता है, लगभग 15 बार, ठीक है, 15 बार के आसपास, मतलब कम प्रेशर पर ये भरी होती है और ये वाली ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्रेशर पर भरी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना होता है, दूसरा जो आपकी एसिटिलीन गैस जो भरी होती है उसका प्रेशर कितना होता है, ये याद रखना है, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इतना समझ में आया? तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए, इसके बारे में मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका हूं। दूसरी बात क्या होता है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हो साइड में ये निकला हुआ है, रेगुलेटर लिखा है ना, ये क्या होते हैं आपके प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या करते हैं कि जो सिलेंडर के अंदर होता है उस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस रिलीज करेंगे उस गैस का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द गैस, या स्टॉप गैस को स्टॉप या ऑन या ऑफ करने के लिए सिलेंडर से गैसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए हम प्रेशर रेगुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है ओके। तो ये रेगुलेटर लिखा है, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये भी एक अलग कंपोनेंट है। तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, टू स्टॉप और स्टार्ट द सप्लाई ऑफ द गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, ठीक है, जो भी गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर से प्रेशर की सप्लाई को स्टार्ट, गैस की सप्लाई को स्टार्ट और स्टोर करना, साथ ही साथ उनके प्रेशर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्रेशर रेगुलेटर्स का, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देख रहे हो ऊपर लिखे हैं प्रेशर गेज, ये भी कंपोनेंट होते हैं। प्रेशर गेज का काम क्या होता है, दो गेज लगे हुए हैं यहाँ पर, प्रेशर गेज दो गेज दिख रहे हैं आप लोगों को, एक राइट में दिख रहा है एक लेफ्ट में दिख रहा है, सिलेंडर के ऊपर दिख रहा है ना, एक ये वाला गेज दिख रहा है और एक ये वाला गेज दिख रहा है, निडल बनी हुई है इसमें, क्या है कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, दो क्यों लगाए गए हैं, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर व्हाई वी आर यूजिंग। हाँ सर, एक इनलेट और एक आउटलेट है। हाँ नहीं, एक जो गेज होगा वो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताएगा कि सिलेंडर में अभी कितना प्रेशर है, और एक गेज बताएगा कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं गैस वो कितने प्रेशर पर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताएगा और दूसरा बताएगा कि कितने प्रेशर पे अभी गैस सप्लाई की जा रही है, किसको, टॉर्च को, वेल्डिंग टॉर्च को, ठीक है ओके। चलिए समझ में आया था ना, तो ये दो गेजेस का मतलब क्या होगा ये भी समझ में आएगा। अच्छा, ये जो आपका एक प्रेशर गेज जो कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बता रहा है वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस भरी हुई है, अगर सिलेंडर के अंदर गैस कम होती जाएगी तो उसका प्रेशर जो है निडल हुआ है वो डाउन होती जाएगी, भाई अंदर अगर गैस नहीं है तो प्रेशर डाउन होता जाएगा आपका सिलेंडर के प्रेशर का, तो ये एक तरीके से इंडिकेशन भी देता है कि भाई ये है। और अगर आउटलेट वाल्व, अगर आउटलेट की बात करेंगे, अगर इसमें जीरो वैल्यू दिखा रहा है इसका मतलब अभी आपने रेगुलेटर ऑफ कर रखा है ओके। और ऐसा ही कुछ इसमें होता है, प्रेशर रेगुलेटर तो दोनों सिलेंडर पे लगे होते हैं तो दोनों का काम सेम ही होता है, एक सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताता है और दूसरा जो सप्लाई की जा रही है उसका प्रेशर बताता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर से, इन दोनों सिलेंडर से दो वायर जा रहे हैं, दो मतलब पाइप जा रहे हैं, छोटे छोटे लाइन से ही दिख रही हैं, दो पाइप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यहां से यहां तक की लाइन दिख रही है जाती yes, sir, हाँ, जो कि वेल्डिंग टॉर्च की ओर जा रही है ना, इन पाइप्स को बोलते हैं हॉज पाइप, इन पाइप को क्या बोलते हैं, हॉज पाइप, HOSE, हॉज पाइप, हॉज पाइप। हॉज पाइप का काम क्या होता है, सिलेंडर से वेल्डिंग टॉर्च तक गैस को सप्लाई करना, टू कैरी द गैसेस, ले जाना, टू कैरी द गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर्स टू द वेल्डिंग टॉर्च, सिलेंडर से लेकर के वेल्डिंग टॉर्च तक गैस को ले जाने का काम कौन करता है, हॉज पाइप, ठीक है भाई। अब हॉज पाइप का भी कलर होता है, एक होता है ब्लू या ब्लैक और दूसरा होता है रेड या मरून, तो पता चल जाएगा कि कौन सा, देखो होता यह है कि जब आप वेल्डिंग टॉर्च यूज कर रहे होते हैं, अगर आपने दोनों पाइप सेम कलर के यूज कर लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पाइप किस गैस का है, कौन सा एसिटिलीन का और कौन सा ऑक्सीजन का, इसीलिए कलर कोडिंग हेल्प करता है कि कौन सा सिलेंडर का कौन से, मतलब कौन सा पाइप जो है वो एसिटिलीन गैस का आ रहा है और कौन सा पाइप का आ रहा है ऑक्सीजन का आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी आप लोग अगर हम वायरिंग कराते हैं घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो आप देखते हो कि वो दो वायर लेके जाते हैं, एक रेड लेके जाते हैं एक ब्लैक लेके जाते हैं, और अगर तीसरा और कोई लेके जाना है मान लिया कि इन्वर्टर का, तो वो ग्रीन लेके जाते हैं, इस तरीके से कुछ यूज करते हैं, है ना। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पता चल जाए कि भाई ये सप्लाई है, मेन सप्लाई का वायर है, ये अर्थिंग का वायर है, इस तरीके से वो उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम राइट साइड को और मूव करते हैं, अब हम यहां तक तो हो गया सारा, अब हम बात करते हैं अपने वेल्डिंग टॉर्च की। तो ये जो पूरी टॉर्च आपको दिख रही है ऊपर से लेकर के एंड तक,
ठीक है, मैंने ये एरो बना करके, एरो दिखा करके बना दिया आपको, ये आपकी वेल्डिंग टॉर्च होती है, ठीक है। वेल्डिंग टॉर्च मतलब वो टॉर्च जहाँ पे, जिस टॉर्च की हेल्प से आप वेल्डिंग करते हैं। अब ये वेल्डिंग टॉर्च हो गई पूरी, इसके भी कुछ चैम्बर्स होते हैं, जैसे ऊपर ये तो आपका हैंडल होता है जहां पर आप इसको पकड़ते हैं, इसको थोड़ा पकड़ा जाता है, यहां से पकड़ के ग्रिप बनाई जाती है, इसमें हैचिंग हो रही है। ये मिक्सिंग चैम्बर ये वाला होगा बेटा, ऊपर वाला नहीं होगा, ये गलत लिखा है, मिक्सिंग चैम्बर ये वाला होगा। अब क्या होगा, आप देखोगे इसमें साइड में दो नोब निकली हुई है, एक नोब ये वाली निकली हुई है और एक नोब ये वाली निकली हुई है ना, निकली हुई है कि नहीं निकली हुई है। तो इनको बोलते हैं स्टॉप वाल्व, क्या बोलते हैं, स्टॉप वाल्व। अब स्टॉप वाल्व का काम क्या होता है कि भाई यहां से तो आपने सप्लाई चालू कर दी है, यहां से तो सप्लाई चालू कर दिया, अभी हमने टॉर्च के पास भी तो कमांड रहनी चाहिए। अगर मुझे, मैंने आपको बोला कि मुझे सिलेंडर, अगर आपके पास वेल्डिंग टॉर्च के पास कंट्रोल नहीं होगा कोई भी, तो आपको बार बार उठ करके सिलेंडर के पास जाना पड़ेगा और गैस बंद करनी पड़ेगी या चालू करनी पड़ेगी बार बार, ऐसा होगा कि नहीं, और उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और दुर्घटना होने के चांसेस, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च होती है उस वेल्डिंग टॉर्च के पास भी एक कंट्रोलिंग के लिए हम स्टॉप वाल्व यूज कर रहते हैं। तो स्टॉप वाल्व क्या करता है, स्टॉप वाल्व क्या करता है कि जो आपके सिलेंडर से प्रेशर आ रहा है, सिलेंडर से जो गैसेज आ रही है, सर मशीनिंग चैम्बर से नीचे वाला होगा ना, हाँ मशीनिंग नहीं, मिक्सिंग चैम्बर जहाँ पे मिक्सिंग होती है। अच्छा हाँ, ये मिक्सिंग चैम्बर है मिक्सिंग, हाँ। तो देखो एक हाँ, चलो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर हम टॉर्च के पास कोई भी कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे तो हमें गैस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, गैस की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए बार बार सिलेंडर के पास उठ करके जाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस होंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एक कंट्रोल अपने पास रखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब हम गैस यूज करते हैं तो ऊपर आपका चूल्हा रहता है और नीचे गैस सिलेंडर रखा रहता है, तो हम क्या करते हैं, गैस सिलेंडर से जो सप्लाई होती है एक बार में ऑन करके छोड़ देते हैं, फिर जो भी रेगुलेशन होता है वो आपके चूल्हे के पास से होता है, वहां पर रेगुलेटर लगे होते हैं, रेगुलेटर तो सिलेंडर के पास भी है, रेगुलेटर चूल्हे के पास भी है, तो हम उसको ऑन छोड़ देते हैं और फिर जो भी काम करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ऐसा ही जैसा कि हम घरों में यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या काम हो रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमने सिलेंडर से सप्लाई ऑफ कर, मतलब ऑन करके छोड़ दी है। अब हमारे पास स्टॉप वाल्व होते हैं जो कि टॉर्च पे लगे होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना हैचिंग, ये ग्रिप होती है जहां पर हम टॉर्च को पकड़ते हैं, ठीक है भाई, ये मिक्सिंग चैम्बर नहीं है, ये ग्रिप है टू होल्ड द टॉर्च। मिक्सिंग चैम्बर आपके नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मान सकते हो, ये वाला, ये मिक्सिंग चैम्बर है आपका। तो और तो होगा क्या, जिसके आसपास आवाज हो रही है वो माइक ऑफ कर सकता है। तो होगा क्या कि अब मान लिया कि यहाँ से सप्लाई पूरी ऑन है, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉल्व जो हमारा अवेलेबल है, ये स्टॉप वॉल्व क्या करेंगे, मतलब खोल लेंगे, जैसे स्टॉप वॉल्व खोलेंगे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की सप्लाई चालू हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की सप्लाई चालू होगी, और ये जो मिक्सिंग चैम्बर है यहाँ पर दोनों गैसेज आपस में इजिली मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद जैसे ही ये टॉर्च टिप पर आएंगी, आप टॉर्च टिप पर क्या करोगे, एक या तो लाइटर से ऑन कर दोगे, माचिस जो भी है से ऑन करोगे, और यहाँ पर एक फ्लेम जनरेट हो जाएगी। तो लास्ट में आप फ्लेम देख रहे हो, इसके टॉर्च के एंड में आपको फ्लेम मिल जाएगी, ये आपको फ्लेम है लास्ट में, FLAME, स्पेलिंग अगर गलत लिखी है तो एक बार देखना, FLAME, ठीक है, गैस फ्लेम इसको बोलते हैं, गैस फ्लेम बोलती है, ठीक है। और जो एंड, जिसके आसपास आवाज हो रही है माइक ऑफ कर लो बेटा, बातें मत करो, मीठी लगी ना, अच्छा लग रहा, कौन है ये, ठीक है। तो और ये जो आपकी टॉर्च होती है वेल्डिंग टॉर्च, इसके एंड वाला पोर्शन जहां से आपकी फ्लेम निकलती है उसको बोलते हैं टॉर्च टिप, TORCH TIP, टॉर्च टिप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि ये आपका मिक्सिंग चैम्बर हो गया जहां पर गैसेस मिक्स होती हैं, स्टॉप वाल्व हो गया, दैट इज जनरली इंस्टॉल ऑन दिस वेल्डिंग टॉर्च, वेयर वी जनरली टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ गैसेस इन द मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर के अंदर गैसेस जो होती है उनकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए स्टॉप वाल्व का यूज करते हैं। तो ये जो फ्लेम लास्ट में बनती है, ये फ्लेम भी अलग अलग टाइप की बनती है, ये जो अलग अलग टाइप की जो फ्लेम होती है ये डिपेंड करता है कि आप विच गैस यू आर सप्लाइंग इन दी लार्ज क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी,
तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गैस को ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो और किस गैस को कम अमाउंट में यूज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स की गैस फ्लेम्स बनती हैं, उनका उनकी स्टडी भी आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके ठीक है, तो समझ में आएगा ये सारे कंपोनेंट सारे पार्ट्स कहाँ क्या क्या होता है बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। यस सर, सारा समझ में आ गया ना, मिक्सिंग चैम्बर कहाँ कहाँ क्या होता है। अब जो मैंने बोला है ना हर एक पार्ट के पार्ट के बारे में, बस वही लिखा है, वही इसमें लिखा होगा। आपको इसमें फिगर नंबर भी देना है, फिगर गैस वेल्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, आप इस तरीके से कर सकते हो, उसका डायग्राम है, फुल डायग्राम। ठीक है, तो मैंने वही बोल दिया आपको, द वेरियस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, अब इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, प्रेशर याद रखने हैं भाई साहब, प्रेशर इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या है, इट इज, पहला लिखना है इट इज पेंटेड विद ब्लू और ब्लैक कलर। पहली बात, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या है आपको याद रखना है कि ये पेंट होता है ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इट इज फिल्ड विद, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इज द सिलेंडर विच इज फिल्ड विद द ऑक्सीजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 150 टू 150 बार, 125 से 150 बार लिख सकते हो, और 12.5 टू 14 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें आता है तो आप यहां से निकाल सकते हो, अदरवाइज बार को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार कितना होता है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, टेन टू द पावर 5 होता है ना बार। ठीक है, यूनिट याद रखना है। चलिए समझ में आ गया। इसी तरीके से एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में बोला गया दैट इट इज पेंटेड विद द रेड और मरून कलर, MARON लिखना है, MARON मरून कलर। और सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, इट इज फिल्ड विद एसिटिलीन गैस एट अ प्रेशर ऑफ अबाउट 115 नहीं होगा, ये 15 होगा केवल, ओनली 15, सो करेक्ट कर लेना बेटा, 15 बार और 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग एक एक जहां पर वो जो वैल्यू होती है वहां पर एक पॉइंट का डिफरेंस है, एक पॉइंट लगा देना, या तो ये 15 बार पे होगा या 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकते हो। इसके बाद तीसरा जो है वेल्डिंग टॉर्च होती है, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च जिसको हम ब्लो पाइप भी बोलते हैं, याद रखना, वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर, एक चैम्बर इसके अंदर होता है वेयर टू गैसेज आर मिक्सड। ठीक है, जहां पर दो गैसेज मिक्सड हो जाती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सिंग चैम्बर। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हो, इट ऑल्सो हैव कंट्रोल वॉल्व्स, इसमें कंट्रोल वॉल्व भी होता है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गैसेज, GASES आएगा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लेना, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गैसेज, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेल्डिंग टिप, इसमें वेल्डिंग टिप भी होती है, एट द एंड एंड में ऑफ द टॉर्च, TORCH। ठीक है, इसके एंड में, इस टॉर्च के एंड में एक टिप भी होती है, वेल्डिंग टिप भी होती है, वेयर फ्लेम इज प्रोड्यूस, जहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, बनती है। ठीक है, तो इसमें इतना लिख देना, दो दो तीन तीन पॉइंट हर एक कंपोनेंट के बारे में लिखोगे आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा है प्रेशर रेगुलेटर्स, तो दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैसेस, GASES। आपको इसमें यह भी लिखना पड़ेगा, दीज आर माउंटेड ऑन द एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर्स, ये सिलेंडर के टॉप पे माउंट होते हैं। दूसरा आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, दीज रेगुलेटर्स आर यूज्ड, अच्छा स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत है, PREF प्रेशर रेगुलेटर, LTORS प्रेशर रेगुलेटर्स। ठीक है, दीज आर यूज टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैसेस कमिंग फ्रॉम द सिलेंडर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रेशर रेगुलेटर्स से क्या करते हैं हम,
सिलेंडर से गैसेस की सप्लाई को अपनी रिकॉर्डिंग गैसेस की क्वांटिटी को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट हो गया होज पाइप, HOSEPIPE, होज पाइप। तो होज पाइप क्या करते हैं ये, सो होज पाइप दीज आर यूज टू कनेक्ट और दीज आर यूज टू कैरी, ले जाने के लिए गैसेस, गैसेस फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर टू द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, तो होज पाइप क्या करते हैं, होज पाइप पहली बात तो आप लिख सकते हो, दीज पाइप कनेक्ट द वेल्डिंग टॉर्च एंड द सिलेंडर विच कैरी द गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर टू द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, जो कि वेल्डिंग सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से वेल्डिंग टॉर्च तक गैस को ले जाने का काम करते हैं। रेड कलर पाइप इज यूज टू कैरी एसिटिलीन गैस, वाइल ब्लू कलर पाइप इज यूज टू कैरी ऑक्सीजन गैस। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर लिखने पड़ेंगे, ब्लू कलर का जो पाइप होता है वो क्या कैरी करता है और रेड कलर का पाइप क्या कैरी करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद स्टॉप वाल्व क्या होता है, तो स्टॉप वाल्व बता दिया, इट इज जनरली माउंटेड ऑन द वेल्डिंग टॉर्च विच इज यूज टू स्टॉप और स्टार्ट और कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गैसेस टू द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च है उस वेल्डिंग टॉर्च में एक स्टॉप वाल्व होता है जिसका काम क्या होता है, टू स्टॉप करना या स्टार्ट करना और कंट्रोल करना द सप्लाई ऑफ गैसेस टू द वेल्डिंग टॉर्च विच आर कमिंग फ्रॉम द सिलेंडर। तो सिलेंडर से जो गैसेस आ रही हैं उन गैसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना और उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना, कहां पर, एट द वेल्डिंग टॉर्च, दिस इज द वर्क ऑफ स्टॉप वाल्व। ठीक है, विच इज जनरली स्टॉप वाल्व इज माउंटेड और इंस्टॉल्ड ऑन द वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च पर इसको माउंट करते हैं। अगला है सातवां पॉइंट या सातवां कंपोनेंट है प्रेशर गेजेस। सो प्रेशर गेजेस, दीज आर द गेजेस विच दीज आर माउंटेड ऑन ईच सिलेंडर। जो प्रेशर गेजेस होते हैं वो हर एक सिलेंडर पर क्या होते हैं, माउंट होते हैं, लगे हुए होते हैं। काम क्या होता है, या जनरली आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, देर आर टू गेजेस, जनरली टू गेजेस आर माउंटेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, वन इंडिकेट्स द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर while the second indicates the pressure of the gases released, ठीक है, being supplied to the welding torch। तो एक तो प्रेशर, एक जो गेज होता है वो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताता है, while the second gauge indicates the pressure of gases out, gases going moving from the cylinder to the hose pipe, ठीक है। इसके बाद these indicators are instantaneous pressure, indicates the instantaneous pressure। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें एक इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, दीज इंडिकेट्स, कौन, प्रेशर गेजेस इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं किसको, द इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, उस पर्टिकुलर क्षण का, उस समय कितना प्रेशर है सिलेंडर के अंदर एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ गैस इन द सिलेंडर एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, दीज इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस प्रेशर and remaining quantity of gas, remaining quantity of gas in the cylinder at an instant, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि जो प्रेशर कितना है सिलेंडर के अंदर और उसके अंदर गैस कितनी भरी है, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग और बाय जस्ट चेकिंग द प्रेशर, सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है उस प्रेशर के हिसाब से यू कैन जज द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर, खाली होने वाला है भरने वाला, मतलब कब सिलेंडर खाली हो जाएगा, उसके अंदर कितनी गैस रह गई है, ये सारी चीजों को कौन बताता है, प्रेशर गेज आपका बताता है, प्रेशर गेज इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज हो गए हैं सारे, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट रह गया तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेवन कंपोनेंट्स फॉर टूल्स एंड कंपोनेंट जो भी मैंने बताया वो आपके साथ ये सारी चीजें। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग का ये हो गया। स्टिल अगर आपको यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। बताइए भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? हेलो, नो सर, यहां तक नहीं है सर। हाँ बोलिए सर। नहीं है, तो अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, या तो टाइप्स ऑफ फ्लेम के नाम से आता है या टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम्स के नाम से आता है, टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम। ठीक है, तो टाइप ऑफ गैस फ्लेम की बात करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि देखो मैंने आपको बताया कि वी जनरली कंसीडर टू सिलेंडर्स, इसमें दो सिलेंडर यूज करते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है और दूसरा एसिटिलीन का।
तो जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को हम यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है, ठीक है। कौन सी वेल्डिंग होती है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी ओ एक्स वाई एसिटिलीन, ए सी ई टी वाई एल ई एन ए, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो है, उस गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सप्लाइड, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जो भी गैसेस आप यूज कर रहे हो, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, उनके वॉल्यूम के हिसाब से, उनका कितना वॉल्यूम आप सप्लाई कर रहे हो उनके बेसिस पे तीन टाइप की गैस फ्लेम होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम्स दैट वी दैट आर विच आर जनरली प्रोड्यूस इन केस ऑफ द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कितने टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है? तीन टाइप की। और वो फ्लेम कौन सी होती है? पहली होती है न्यूट्रल फ्लेम, एन ई यू टी आर ए एल, ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम। दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग, ओ एक्स आई डी आई, आई मिसिंग है, आई एड कर लेना, जेड आई एन जी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और तीसरी फ्लेम होती है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। इससे पहले मैंने आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट बताया था, तो आप याद रखना कि जब उसका डायग्राम आप बनाएंगे तो डायग्राम बनाते टाइम सिलेंडर बड़े होने चाहिए और टॉर्च को छोटा कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। टॉर्च को, जो उसकी विड्थ भी थोड़ी ज्यादा है, टॉर्च के विड्थ को थोड़ा सा कम कर देना है और उसकी लेंथ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है उसको। और तीसरी फ्लेम कौन सी बताई मैंने आपको? कार्बोराइजिंग, सी ए आर बी यू आर आई जेड आई एन जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस सप्लाइड, वॉल्यूम ऑफ गैसेस सप्लाइड मींस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस वी आर यूजिंग, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम वी जनरली यूज, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये तीन टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों टाइप की फ्लेम को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी फ्लेम कहाँ यूज होती है, कब बनती है और टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीजें, और मतलब किस किस वे में या तीनों फ्लेम को कब यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। यस सर।